नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर उदय फड़के है। मैं ट्रेनिंग से एक एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हूँ, मतलब सारे हार्मोन रिलेटेड बीमारियाँ और डायबिटीज़ का इलाज करता हूँ। और पुणे बेस्ड सह्याद्री हॉस्पिटल ग्रुप जो है, इसका मैं एंडोक्रिनोलॉजी और डायबिटीज़ का डायरेक्टर हूँ। डायबिटीज़ का जब हम इलाज करते हैं तो एक ऐसा कॉम्प्लिकेशन है जो होना तो नहीं चाहिए, लेकिन हम देखते हैं कि ये करीबन हर एक व्यक्ति को कभी ना कभी अपने लाइफ स्पैन में हो ही जाता है, एंड दैट इज़ हाइपोग्लाइसीमिया या शुगर कम होना। अब ये जो शुगर कम होने की बीमारी है, इससे पेशेंट बड़ा डर जाता है, क्योंकि तकलीफ़ काफ़ी हो सकती है, और स्पेशली अगर शुगर बहुत ही नीचे चली जाए तो पेशेंट को और उसके जो आसपास के लोग हैं उनको काफ़ी ये डरावना एक्सपीरियंस है। और ये डेफिनेटली हम प्रिवेंट करना चाहेंगे, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम केयर लेने के बावजूद, हम तो केयर काफ़ी लेते हैं, लेकिन केयर लेने के बावजूद भी कभी कभी ये हो जाता है। तो पेशेंट को पता होना चाहिए, या उसके रिश्तेदारों को जो उनकी केयर ले रहे हैं, केयर गिवर्स को पता होना चाहिए कि क्या होता है। तो हाइपोग्लाइसीमिया का मतलब ऐसा है कि शुगर कम हो जाती है। साधारण तौर पर हम जो शुगर्स हैं ये 80 से लेके आगे रखते हैं, और अगर जिन पेशेंट्स का एज ज़्यादा है, अगर उनको कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा है, तो हम 80 तक भी नहीं लाते, उससे भी थोड़ा सा ज़्यादा रखते हैं। ये तो इंडिविजुअलाइजेशन है। जब शुगर कम होने लगती है तो पहला जो पड़ाव है दैट इज़ अराउंड 70। जब शुगर्स 70 के आसपास आने लगती है तो जो अपना ब्रेन है वो इमीडिएटली सेंस करता है कि अरे शुगर कम तो हो रही है, एंड एवरी ऑर्गन रिक्वायर्स शुगर्स, और पर्टिकुलरली ब्रेन को तो लगता ही लग रहा है शुगर। तो व्हाट द ब्रेन डज इज़ कि वो वार्निंग सिम्टम्स देने लगता है, ये चेतावनी पेशेंट को देने के लिए कि देखो भैया आपके शुगर्स कम हो रहे हैं, आप कुछ करो। तो जब शुगर्स अराउंड 70 होने लगते हैं तो थोड़ी सी कपकाहट महसूस होने लगती है, थोड़ी सी धड़कन बढ़ जाती है, थोड़ा सा स्वेटिंग होने लगता है, आपको ऐसा लगता है कोई पैल्पिटेशन हो रहा है, आपकी धड़कन थोड़ी बढ़ रही है, स्लाइटली थोड़ी सी भूख लग रही है, थोड़े से हाथ पैर कांपने लगते हैं, लेकिन चल जाता है, बहुत कुछ प्रॉब्लम नहीं आता, लेकिन आपको पता लगता है अरे ये कुछ थोड़ा सा अलग चल रहा है। अगर आप उसी समय इसकी तरफ ध्यान दो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो शुगर और भी कम हो सकती है। और जब शुगर्स अराउंड 60 से नीचे या 55 से नीचे जाने लगती है, उसको हम बहुत ही सीवियर मानते हैं, वेरी सीरियस हाइपोग्लाइसीमिया। और ऐसे समय जो पेशेंट है उसके सोच विचार में भी फ़र्क हो जाता है, मतलब वो ढंग से सोच नहीं पाता, ढंग से विचार नहीं कर पाता, उसका कोऑर्डिनेशन खो जाता है, तो बात करने की भी उसको तकलीफ होने लगती है, उसको समझ रहा है कि मुझे कुछ बीमारी हो रही है, वो चाहता है कि मुझे कुछ खाने के लिए चाहिए, लेकिन वो ढंग से बता भी नहीं पाएगा कि मुझे कुछ हो रहा है, ही विल जस्ट सिट। तो काफ़ी बार हम देखते हैं हमारे ओपीडी में भी पेशेंट ऐसा ही सुनसान बैठा है, हम पता नहीं लग रहा है ऊपर से क्या हो रहा है, और एक्चुअली उसकी शुगर्स कम है, स्वेटिंग हो रहा है, उसके जो पल्स रेट है वो काफ़ी बढ़ गया है, ब्लड प्रेशर बढ़ गया है। अगर इस समय भी हम कुछ नहीं करें तो शुगर और भी कम हो जाती है, एंड देन ऑफ कोर्स पेशेंट बिकम्स वेरी ड्राउजी, पेशेंट में बिकम अनकॉन्शियस, मतलब आप उसको जगा नहीं सकते, और बहुत ही रेयर इसमें पेशेंट को अकड़न या कन्वर्जन या फिट भी आ सकती है, एंड इट कैन रिजल्ट इन डेथ। तो ये हमें डेफिनेटली इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। और अच्छी बात ऐसी है कि ज़्यादातर लोगों में ये स्टेप वाइज होता है, क्रमवार होता है, जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया, एकदम से आदमी बेहोश नहीं होता, पहले कुछ ना कुछ सिम्टम्स आने लगते हैं, आप अगर उसकी तरफ ध्यान नहीं दोगे तो ये बढ़ते जाएगी। तो वी हैव टू बी अवेयर, रिलेटिव्स हैव टू बी अवेयर कि क्या होना चाहिए। तो इसको रिकग्नाइज करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। सब सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग कि इसको हम ट्रीट कैसे करें। सो एक बात समझनी चाहिए कि
कि अगर आपको ऐसे लगता है कि पेशेंट को कि पेशेंट की शुगर लो हो रही है, अगर आपके पास सुविधा है यानी ग्लूकोमीटर है तो ज़रूर पहले शुगर आप देख लीजिए, बिकॉज कभी कभी कुछ और भी बीमारियां हैं जो इसी तरह से प्रेजेंट कर सकती हैं। शायद उसको स्ट्रोक होता होगा, इट इज़ नॉट हाइपोग्लाइसीमिया बट ब्रेन की तरफ उसकी ब्लड सप्लाई कम होता हो, तो ये भी ऐसा ही दिखेगा। सो ये शुगर सच में कम हो रही है, ये अगर आप उस समय देखोगे शुगर तो ये प्रूफ होगा। ये करना इम्पॉर्टेंट है, अगर आपके पास ग्लूकोमीटर है, आपके पास समय है तो आपको ये ज़रूर करना चाहिए। अगर आप ये नहीं कर सकते, आपके पास नहीं है, तो आपको क्या करना है? तो पहली इम्पॉर्टेंट चीज़ ऐसी है कि पेशेंट अगर पूरी होशो हवास में है तो सबसे इम्पॉर्टेंट है उसको आप कुछ खाने दें, और ये आप 20 से लेके 30 ग्राम कार्बोहाइड्रेट आपको उसको खिलाना होगा। तो किस चीज़ों में ये 20-30 ग्राम कार्बोहाइड्रेट जा सकता है? तो आप ग्लूकोज के 4 बिस्किट्स दे सकते हैं, आप 2 या 3 चम्मच शुगर कॉफ़ी में, चाय में, दूध में या किसी शरबत में मिला के उसको पिला सकते हैं, आप जो कमर्शियली मतलब जो चॉकलेट बार्स है वो तुरंत एक खिला सकते हैं, आप फल का रस पिला सकते हैं, या अगर पेशेंट कम्प्लीटली कॉन्शियस है या नॉर्मल रोटी दाल चावल भी आप उसको दे सकते हैं खाने के लिए, ये इम्पॉर्टेंट है। लेकिन इसके लिए पेशेंट पूरी तरह से कॉन्शियस होना ज़रूरी है। कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड बिकमिंग कन्फ्यूज्ड। कभी कभी हम देखते हैं कि पेशेंट खुद खा भी नहीं पा रहा है। ऐसे स्थिति में कई बार हमने देखा है कि जो रिलेटिव्स हैं ये पेशेंट का मुंह खोल के उसके मुंह में ये शक्कर घुसा देते हैं। ये करना बहुत गलत बात होगा, बिकॉज अगर पेशेंट कॉन्शियस नहीं है पूरा तो उसका जो स्वॉलोइंग रिफ्लेक्स है ये ठीक से तरह से नहीं है। अगर आप ऐसे ही कुछ मुंह में डाल दोगे तो ये बड़ी गड़बड़ी पैदा कर सकता है, और ये जो सारा आप फूड मुँह में घुसा रहे हो वो लंग्स में जा सकता है, एंड इट विल क्रिएट अ वेरी मेजर कॉम्प्लिकेशन। तो अगर पेशेंट खाने के होश में नहीं हो तो हमेशा आपके घर में, स्पेशली जो पेशेंट्स ज़्यादा वल्नरेबल है ये होने के लिए, एल्डरली पेशेंट्स हैं जिनको कॉम्प्लिकेशंस है, जिनको साइड बाय साइड किडनी की प्रॉब्लम्स है, जिनको हाई डोज इंसुलिन चालू है, ऐसे लोगों को ये हाइपोग्लाइसीमिया होने के चांसेस ज़्यादा है। तो ऐसे स्थिति में आपके घर में एक ग्लूकागॉन नाम का इंजेक्शन हमेशा होना चाहिए। तो ये एक प्री फिल्ड सिरिंज मिलती है बाजार में, बस आप उसको निकालो उसका स्टॉपर और कहीं भी उसको आप दे दो। आप ये चिंता मत करो कि वो नर्व में जा रहा है या ब्लड में जा रहा है या मसल में जा रहा है, बस आप दे दो। ये इंजेक्शन देने के बाद तुरंत शुगर जो है ये अराउंड 25-30 मिलीग्राम से ऊपर आ जाएगी, एंड आपको टाइम मिलेगा पेशेंट को खिलाने में या कुछ खाना खिलाने में या उसको हॉस्पिटल ले जाने में। अगर ये आप खाना दे देते हैं या ग्लूकागॉन दे देते हैं तो ये अवश्य करें कि आधे घंटे के बाद पेशेंट की स्थिति को दोबारा जांचें, शुगर्स दोबारा से करें। अगर फिर भी शुगर लो है तो और 20 या 30 ग्राम शुगर आपको उसको देनी है। अगर पेशेंट हैज़ इम्प्रूव लेकिन पूरी तरह से ठीक नहीं है तो आप उसको हॉस्पिटल में ले जाएं, वहाँ डॉक्टर्स इलाज करेंगे। तो ये रिकग्निशन और इमीडिएट ट्रीटमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इसके कारण क्या है? साधारणतः इसके 3 इम्पॉर्टेंट कारण हैं। नंबर 1, आप ज़रूरत से कम खा रहे हो या आपने खाना ही नहीं खाया हो, या आपने दूसरे दिन के तुलना में जो आपका शारीरिक एफर्ट है ये बहुत ज़्यादा हो गया है। आज नॉर्मली आप आधे घंटे के लिए चलते हैं नॉर्मल ग्राउंड पे, आज आप हिल पे 2 घंटे चलने गए तो आपकी शुगर नीचे जा सकती है। और तीसरा जो है इम्पॉर्टेंट कि आपका जो मेडिसिन है ये बहुत आपके लिए ज़्यादा हो रहा है किसी वजह से, तो आपको डॉक्टर के पास उसका डोज एडजस्ट करना है। एंड द लास्ट कॉजेज, आपको कोई दूसरी बीमारी हो रही है जिसके वजह से आपके शुगर्स नीचे जा रहे हैं, जैसे आपके थायराइड के लेवल्स कम हो गए हो या आपके किडनी का प्रॉब्लम कुछ चल रहा हो, तो नॉर्मल दवाइयों से भी जो दूसरे टाइम इफ़ेक्टिव रहते हैं ये भी ज़रूरत से ज़्यादा इफ़ेक्ट कर जाएगी और आपके शुगर्स नीचे चले जाएंगे। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन है ट्रीटमेंट का, आपको इसके बारे में अवेयरनेस रखना ही चाहिए।
भारत में डायबिटीज़ बहुत ही कॉमन है और इसके बारे में लोगों में जानकारी अच्छी तरह से नहीं है। लोग डर भी जाते हैं, लेकिन अच्छी तरह से उनको अगर जानकारी हो, वो इसके बारे में अपने खुद की जानकारी बढ़ाए, अवेयरनेस बढ़ाए, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि क्योरेबल तो नहीं है डायबिटीज़, लेकिन हम अगर इसकी अच्छी तरह से केयर ले तो हम पूरी तरह से एक अच्छा फुलफिलिंग लाइफ जी सकते हैं। और ये करने के लिए हम ज़रूर आपकी मदद करेंगे। आपको अगर डायबिटीज़ हो तो ज़रूर हमसे आके मिलिए, हम आपकी मदद करने के लिए यहाँ बैठे हैं।